देखिए, अगर आपको भी इतने मज़े का वेजिटेबल चाउमिंग सूप बनाना सीखना है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी, ताकि आप भी सर्दियों में इतने मज़े का वेजिटेबल चाउमिंग सूप बनाना सीख सकें। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा। इसका नाम है कुकिंग विद गुनाश यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनाश यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वेजिटेबल चाउमिंग सूप, जिसके इंग्रीडियंट है, देखिए वेजिटेबल चाउमिंग सूप आपको बता रहे हैं, उसके लिए जो सामान चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे गाजर। हमने 1 कप गाजर लिए, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। और इसके बाद हमें चाहिए बंद गोभी। बंद गोभी भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए। दोनों चीज़ों को हमने वॉश कर लिया, दोनों चीज़ 1 1 कप है। इसके बाद जो हमें चाहिए, हमने लिया है अदरक लिया है। इसमें हमने अदरक को 1 खाने का चम्मच, इसमें हमने अदरक लिया जिसे हमने बारीक काट लिया है। इसके बाद इसमें हमने चाहिए 5 हरी मिर्चें, जिसे हमने बारीक काट लिया है। इसके बाद लहसुन है 1 खाने का चम्मच, ये भी हमने बारीक काट लिया है। इसके बाद हमें चाहिए हरा धनिया, ये 2 खाने के चम्मच है, इसको हमने बारीक काट लिया है। और सोया है 1 खाने का चम्मच, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। इसके बाद जो हमें चाहिए सामान, वो सामान ये है, 2 खाने के चम्मच इसमें हमें चाहिए सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच इसमें हमें चाहिए चिली सॉस, 1 चाय का चम्मच इसमें हमें चाहिए काली मिर्चें, आधी चाय का चम्मच इसमें हमें चाहिए नमक, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, 1 खाने का चम्मच इसमें हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर, 1 खाने का चम्मच इसमें चाहिए सिरका, 2 खाने के चम्मच इसमें चाहिए हमें वाइट तेल, थोड़ी इसमें डालेंगे हम रोजमेरी। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है। देखिए पैन हमारा गर्म हो चुका है, उसमें डाल देंगे सबसे पहले तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन और मिर्ची डाल देंगे। देखिए इसमें डाल देंगे सबसे पहले लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया इसमें हमने। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे अदरक, बस इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, बस इसकी खुशबू आने का इंतज़ार करेंगे। और इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। देखिए इसमें हमने बंद गोभी डाल दी, अब इसमें हम डाल देंगे गाजर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़ी सब्जियों को थोड़ा सा तल लेंगे। देखिए सूप में हमने सब्जी को फ्राई कर लिया है थोड़ा, अब इसमें हम डाल देंगे धनिया और सोया डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों चीज़ों को डाल के बस 2 मिनट ही हम इसमें करेंगे मिक्स। बस इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस, दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। देखिए चिली सॉस सोया सॉस हमने डाल दिया, अब इसमें हम पानी डाल लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डाल रहे हैं 4 कप पानी, ये देखिए इसमें हमने 4 कप पानी डाल दिया है, अब इसका उबाल आने का इंतज़ार करें। देखिए सूप को पकते हुए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर जो आपको बताया था। कॉर्नफ्लावर को हम घोल लेंगे, देखिए कॉर्नफ्लावर को हम थोड़े पानी के साथ घोल लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसको घोल लेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना रहे, अच्छी तरह से घोल लें आप इसको। ये देखिए हमने इसको घोल लिया कि इसमें गुठलियाँ नहीं है, ये डाल देंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया और इसकी उबाल आ चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक के साथ ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्चें, देखिए हमने इसमें काली मिर्चें डाल दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी मिक्स कर देंगे इसके साथ। देखिए सब ये सूप हमारा तैयार हो चुका है, अब सबसे लास्ट में हम डाल देंगे इसमें सिरका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे आखिर में डालिएगा आप। और अब हम डाल देंगे रोजमेरी। देखिए हम इसमें रोजमेरी डाल देंगे, 1 चुटकी है बस ये डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 पंच जो होता है वो डाल देंगे। सूप हमारा तैयार हो चुका है, इसको अब हम डिश आउट करें। देखिए सूप हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा और कितना अच्छा बना है, इसको अब हम डिश आउट करें।
देखें आज हमने आपको वेजिटेबल चाउमिंग सूप बनाना सिखाया जो बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है। इससे पहले हमने आपको सर्दियों में साबूदाना वेजिटेबल सूप बनाना सिखाया था जिसकी रेसिपी आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगी। ये बहुत मज़े का बना और ये हेल्दी भी है क्योंकि जो बच्चे और जो बड़े सब्जी नहीं खाते हैं हम इस तरह उनको सूप में दे सकते हैं। ये बहुत मज़े का बना है और हेल्दी भी है और जो चिकन नहीं खाते वो भी इसको खा सकते हैं क्योंकि इसमें गज़ाइत से भरपूर है। इसमें जो है भरपूर विटामिन है जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसको एक बार सर्दी में ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वाले और फैमिली मेंबर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी जो भी रेसिपी है वो आपको फ्री में देखने को मिल सके। अरिस्टो के लाफिज़।